आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिस्ती ने विधानसभा के पटल से किन्नर शब्द को हटाने की अपील की है। जी हां, उन्होंने इस विषय में सीएम योगी, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर ये अपील की है कि विधानसभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न हो जिससे कि एक विशेष वर्ग को इससे पीड़ा हो। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने किन्नर समाज के हितों के लिए आए हैं। सभी आपके जितने भी आपके चैनल के लोग हैं सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने एक पत्र लिखी माननीय स्पीकर उत्तर प्रदेश विधानसभा जी को 25/2/2023 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में जो जनता के आवाज़ के लिए जो सदन कार्यवाहक चल रही थी उस सदन के अंदर कुछ अमर्यादित, अशोभनीय, असामाजिक जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध करते हुए उभयलिंग, ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए आरक्षण देने का काम किए ओबीसी के तहत। मैं जो कुछ सदस्यों माननीय विधानसभा सदस्यों द्वारा जो शब्द का उल्लेख किया गया वह असंसदीय भाषा थी। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार वह शब्द जो है अशिक्षित, असामाजिक, असंवेदनशीलता वाली शब्द थी जिसके लिए मैंने निवेदन करी। क्योंकि सब राजा हैं, हम लोग तो एक आम लोग हैं और इसलिए मेरा भी इतनी क्वेश्चन करना अनिवार्य था ताकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासन हूँ मैं और किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं वाइस प्रेसिडेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नॉमिनेट किए हैं स्वयं 25 करोड़ के नेटवर्क करने की वाले व्यक्ति द्वारा मैं नॉमिनेट हुई हूँ। देश की सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके कारण से मैंने माननीय सतीश महाना जी स्पीकर साहब को पत्र लिखी जो असंसदीय भाषा थी शब्द उसको पटल से निकालते हुए किन्नर समाज का सम्मान, अस्तित्व का सम्मान करते हुए खेत प्रकट किया जाए जिन सदस्यों द्वारा असंसदीय भाषा बोला गया। मैंने पत्र लिखी और मुझे पूर्ण विश्वास। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।